हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है ए टू जेड लैंड प्रोग्रामिंग के अंदर। और आज हम सीखेंगे इसके अंदर कि इक्वल ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या डिफरेंस होता है सी प्रोग्रामिंग के अंदर। और इसके अंदर जो है ना आपके डिफरेंस क्लियर कर देगा और आपको कभी कोई इशू नहीं होगा इसके अंदर। तो आपको थोड़ा सा इसमें रिलेशनल ऑपरेटर्स के ऊपर भी आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। मैं ऑलरेडी इसका लिंक नीचे शेयर कर दूंगा, उसके ऊपर हमने वीडियो अपलोड कर रखी है, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। लेकिन फिर भी हम दोनों के बीच में डिफरेंस जानना चाहते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो उसमें सबसे पहले अपने जैसे कि हमने क्या कर रखा है, ए इक्वल टू 45 और बी इक्वल टू 67 हमने यहाँ पे ले रखा। तो इक्वल टू नहीं, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट करता क्या है कि कोई भी वैल्यू अपने अंदर स्टोर करने का काम करता है। तो हम 67 इसको हम राइट टू लेफ्ट की तरफ लेते हैं, तो राइट के अकॉर्डिंग टू 67 जो स्टोर किया जा रहा है बी के अंदर, इस तरीके से हम इसको चेक कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये आपका असाइनमेंट कहलाएगा जो हम यहाँ पे ऊपर यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे हम एक और लेते हैं सी इक्वल, इट मीन्स असाइनमेंट इक्वल टू 0। हम सी के अंदर 0 स्टोर करवा रहे हैं, 0 को हम सी के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। तो असाइनमेंट इस तरीके से वर्क करेगा। देन उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने सी असाइनमेंट ए, दो बार असाइनमेंट लगाने का मतलब होता है इक्वल ऑपरेटर, तो इसे इक्वल टू ऑपरेटर बोलते हैं। तो हमने ये चेक करा है कि ए इक्वल है बी के, एंड सेमीकोलन। अगर वो ए बराबर है बी के तो इसमें हम ट्रू स्टोर हो जाएगा और वो किसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, सी को। तो सी मतलब असाइन करेगा जो भी दोनों का रिजल्ट होगा, इट मीन्स कि वो क्या इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो जी 1 और इक्वल नहीं है तो फॉल्स, यानी कि 0। वो किसको मिल जाएगा, एक्चुअली सी को। तो सी सिर्फ असाइन कर रहा है जो भी रिजल्ट आएगा, लेकिन वो पहले सिर्फ इसको चेक करेगा। तो इसके हिसाब से जो रिलेशन ऑपरेटर हैं उनका प्रेसिडेंस हायर होता है एज़ कम्पेरिजन असाइनमेंट ऑपरेटर के। तो इस, और दूसरा ये सिर्फ इक्वलिटी के लिए चेक करता है, ना कि किसी वैल्यू को होल्ड करवाने के लिए। तो वो सिर्फ ये चेक कर रहा है कि क्या ए बराबर है बी के, अगर है तो जो वैल्यू आएगी वो सी को होल्ड करवा दी जाएगी। तो होल्ड मतलब यहाँ पे असाइनमेंट होगी, तो देन इस तरीके से वर्क करेगा। तो असाइनमेंट का मतलब यानी कि वैल्यू को होल्ड करना, और इक्वल का, इक्वल टू का मतलब होता है किसी वैल्यू को उसकी दूसरी वैल्यू से कंपेयर करना, तुलना करना, जिस वजह से ये रिलेशन ऑपरेटर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ये डिफरेंस होता है। आप इसे एक बार प्रिंट भी करवा के देख लेते हैं, प्रिंट एफ परसेंटेज डी। तो 0 बिकॉज ए की वैल्यू 45 और 67 बी की है, तो इस वजह से एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो दैट्स वाई जी सी के अंदर जो स्टोर होगा वो 0 स्टोर हो जाएगा, असाइनमेंट हो जाएगा इस तरीके से। अगर हम यहाँ पे अगर 45 कर दे बी की वैल्यू जिस, तो यहाँ पे अब हम जो स्टोर होगा वो हमारे यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 आउटपुट में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 शो हो रहा है। अब जनरली क्या है कि हमने ये तो कर दिया, लेकिन साथ ही साथ अगर हम जैसे ये असाइनमेंट के साइन की तरह से ट्रीट करवाते हैं लाइक दिस, अब देखिए उसे कंपेयर करने में क्या है कि बी की जो वैल्यू है वो ए असाइन कर रहा है और ए की जो वैल्यू है वो सी असाइन कर रहा है। अब वार्निंग में अगर हम बात करें तो देख सकते हैं, तो वार्निंग में देखते हैं, एक तो है फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू, तो मेन मैंने बताया था बाय डिफॉल्ट 0 रिटर्न करेगा, तो उसके लिए हम वॉइड लगा देते हैं ताकि कुछ भी रिटर्न ना करें। बट एक्चुअली दूसरी वार्निंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो ए इज़ असाइन अ वैल्यू दैट इज़ नेवर यूज्ड, ए को हमने असाइन करा है पर एक्चुअली इसे यूज़ नहीं करा गया है, तो ये एक वार्निंग है। इस तरीके से हम फिलहाल इसे एंटर करके इसे फिर भी रन करवाते हैं। तो जैसे आपने देखा कि 45, तो अपनी जो बी की जो वैल्यू है वो किसने पास कर दी, ए को, और ए की वैल्यू जो पास कर दी गई है सी को, तो सी की वैल्यू अपनी 0 थी, तो इसलिए अब जो सी की वैल्यू स्टोर होगी वो होगी 45। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे यूज़ करा। तो इक्वल का मतलब कंपैरिजन होता है कि वो इक्वल है या नहीं है, और असाइनमेंट का मतलब होता है किसी को वैल्यू पास कर देना। तो आपको मैंने दोनों डिफरेंस दिखा दिए कि पहले मैंने आपको इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ करके दिखाया जिसमें कंपैरिजन हो रहा था और वो वैल्यू एक दूसरे की होल्ड नहीं कर रहे थे, जबकि असाइनमेंट में वैल्यू को होल्ड किया जाता है, स्टोर करवाया जाता है, इस वजह से हम इसका असाइनमेंट का यूज़ करते हैं। आई होप वीडियो बिल्कुल क्लियर हो गई आपको। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।